गुड इवनिंग, नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 1 से 12 पर। ये सहयोग सेशन है जी, सहयोग, जहां पर हम रोज़ शाम को गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करते हैं हमारे आसपास के यंगस्टर्स और एडोलेसेंस के बीच। इस पैंडेमिक के पूरे समय में हमने बहुत सा स्ट्रेस और बहुत सी एंग्जाइटी के बारे में सहयोग सेशंस कंडक्ट किए, पर आज ये सेशन खास इसलिए है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी क्या है और उससे कैसे कोप अप किया जा सकता है, इसके बारे में आज की ये बातचीत रहेगी। और दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं मिस सलोनी अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सलोनी। थैंक यू कृति जी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। और हमारे साथ प्रैक्टिसिंग काउंसलर भी जुड़े हैं, मैं परिचय कराना चाहूँगी श्री राहुल सिंह जी का, और आज की इस बातचीत में हमारा साथ देंगे। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पीएम ई विद्या पर। नमस्कार। और आज की इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो हमसे जरूर साझा करें। हमारे टोल फ्री नंबर्स डायल करें, नंबर रहेंगे 1800111265 और दूसरा नंबर रहेगा 1800111199। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं एनसीईआरटी ऑफिशियल, और वहां भी आप लाइव चैट बॉक्स में अपने सभी सजेशंस और क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भेजे गए सभी सजेशंस और क्वेश्चंस लें और हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब दें। एक और जरिया है जिसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सभी सजेशंस और क्वेश्चंस को हमें मेल करें sahyog.ncrt@ciet.nic.in पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बातचीत को, और सलोनी जी एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगी। आपसे पहले भी सेशंस में हमने बहुत सारी बार स्ट्रेस की बात की, एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है बात की, रिजिलियंस की बात की, बट आज क्योंकि अब एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं, तो क्या होती है ये एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, थोड़ा सा इस बारे में ही हमारे व्यूअर्स को पहले बताएं। हाँ जी, सो फर्स्टली थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। आपने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा है कि कैसे हम हमेशा से बात कर रहे हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड रिजिलियंस की, बट आज हमारा टॉपिक एग्जाम एंग्जाइटी क्यों है। तो जब मैं एग्जामिनेशन एंग्जाइटी की पहले बात करूं, अगर हम पहले ही दिमाग में एग्जामिनेशन में बोल रही हूं, तो एक नर्वसनेस सी आ जाती है या एक स्ट्रेस आ जाता है। एंड सिंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक स्टूडेंट्स ने इतना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करा है, ऑनलाइन मीडियम में क्लासेस कंडक्ट हुई है, दे हैव बीन सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, एकदम से एक तो ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट होना, एक तो उसकी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंड अलोंग सिंस इट्स द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, धीरे धीरे और स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है कि अब फाइनल टर्म आ रहा है, वी नीड टू स्कोर गुड मार्क्स, तभी हम एक नेक्स्ट ग्रेड पर जा पाएंगे। प्लस सिंस पैंडेमिक में हम इतना स्ट्रेस पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अभी भी अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेस लेवल और हाई हो जाता है कि एग्जाम पास आ रहे हैं, एग्जाम पास आ रहे हैं। तभी आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एग्जामिनेशन एंग्जाइटी। एंड एग्जामिनेशन एंग्जाइटी इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, जब आप नर्वस फील करते हो, वरिड फील करते हो, मे बी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एन एग्जामिनेशन। ओके, तो कभी एग्जामिनेशन के दौरान जब आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो या एंशियस फील कर रहे हो, जिसके वजह से आप परफॉर्म नहीं ढंग से कर पा रहे, दैट इज ऑल्सो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी। If you are experiencing stress and nervousness after an examination has taken place, that is also an examination anxiety. So it is basically your level of distress also. Okay. For related to examinations, upcoming examinations, and जैसे ही मैंने word use करा distress. Distress. So it is a kind of negative stress. देखिए, जब examinations pass आते हैं, so there is a good level of stress which motivates us to perform good. कि हम और प्रोडक्टिव हो जाए। अच्छा, हम स्ट्रेस गुड लेवल का भी होता है सलोनी जी। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा यू स्ट्रेस व्हिच इज पॉजिटिव स्ट्रेस, एंड एक हमारा नेगेटिव स्ट्रेस होता है व्हिच इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस तो जब एग्जामिनेशंस पास आते हैं, सो देयर इज अ लेवल ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस कि हमें परफॉर्म करना है, अच्छा, इट मोटिवेट्स अस टू परफॉर्म। तभी अगर हम अराउज नहीं होंगे या अगर हम स्ट्रेस ही नहीं लेंगे, तो हम कभी कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाएंगे। राइट बट If this level of stress is at a very, I should say, alarming rate, हमारी performance पे effect आ रहा है, हमारी learning पे effect आ रहा है, हम ढंग से concentrate नहीं कर पा रहे, तो वो negative stress हो जाएगा। And अगर ये negative stress बहुत ज़्यादा time के लिए है, तो वो examination anxiety में convert हो जाएगा।
तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई व्हेन एवर दे आर फीलिंग एंशियस रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस. एंड जब हम बात कर रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना है, तो अगर उनको आइडेंटिफाई करना है सो देर आर फोर सिम्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी, कि कैसे डिफरेंट साइंस स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं अपने में जो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन ओनली दे कैन नो दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी एंड देन ओनली दे कैन यू नो यूज सम कोपिंग स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंजाइटी. एंड आई एम श्योर जब मैं ये सिम्टम्स आपसे डिस्कस करूँगी आप भी बहुत रिलेट कर पाएंगे कि जब हम एग्जामिनेशंस यू नो एंशियस हो रहे होते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. सो देर आर फोर सिम्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी. योर फर्स्ट इज़ योर फिजिकल सिम्टम और योर फिजियोलॉजिकल सिम्टम. तो जब मैं फिजिकल सिम्टम की बात कर रही हूँ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, समटाइम्स यू स्वेट अलॉट, समटाइम्स यू नो जब स्टूडेंट्स बहुत एंशियस होते हैं या वरिड होते हैं तो वो फेंट भी हो जाते हैं. सी सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड फॉर अस, सम लेवल ऑफ एंजाइटी इज़ गुड फॉर अस. तो जब एग्जामिनेशंस पास आ रहे होते हैं एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू समथिंग असेसमेंट, तो हमारे स्टमक में बहुत बटरफ्लाइज क्रिएट हो जाती है. बट अगर ये स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज करते हो, आपकी हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो नेगेटिव टर्न हो जाता है. सो दिस इज़ फिजिकल सिम्टम. द नेक्स्ट इज़ योर इमोशनल सिम्टम. तो जब मैं इमोशनल सिम्टम या इमोशनल साइंस की बात करूँ, सो आई एम श्योर व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंशियस तो आप मूड स्विंग्स बहुत एक्सपीरियंस करोगे, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि यू नो यू हैव दैट होप कि नहीं हो पाएगा, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वी हैव नॉट वर्कड हार्ड. देर कुड बी अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, यू फील दैट यू वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सो दीज आर सम साइंस ऑफ योर इमोशनल सिम्टम्स. देन इज योर कॉग्निटिव सिम्टम. तो जब मैं कॉग्निटिव सिम्टम की बात करती हूँ, इट इज़ बेसिकली योर मेंटल ऑपरेशंस और मेंटल कैपेसिटीज. सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंशियस या अगर थोड़ा भी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो यू विल बी नॉट एबल टू लर्न प्रॉपरली, आपकी कंसंट्रेशन ढंग से नहीं होगी, आपका जो मेमोरी स्पैन है वो काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टुगेदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन. एंड द लास्ट इज़ योर बिहेवियरल सिम्टम. सो व्हेन आई से बिहेवियरल सिम्टम, तो स्ट्रेस कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है आपके बिहेवियर में. So it could be that you are having disrupted sleep patterns. Either you are sleeping a lot or you are not sleeping at all. Less intake of food. Maybe whenever you are stressed, you are, you know, taking a lot of coffee or caffeine. So that is also one of the behavioral symptoms. It could be losing touch from your friends and they are not able to work properly or study properly. Then there are students, you know, who nail bite a lot. Or you know their teeth grinds a lot, right? So this is also one of the symptoms related to your behavior. So it's important that you identify those signs and symptoms in yourself. Know that you are feeling very anxious, you have examination anxiety, and then only you can manage it properly. So therefore the topic is today understanding and managing examination anxiety. राइट, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एग्जामिनेशन एंग्जाइटी. और अब इसके साथ हमारे साथ जो प्रैक्टिसिंग काउंसलर जुड़े हैं राहुल सिंह जी. राहुल जी, आपको कन्वर्सेशन में लेकर आना चाहूँगी. प्रैक्टिसिंग काउंसलर आप हैं और मुझे लगता है हर एज ग्रुप का बच्चा आपको अप्रोच करता होगा अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए. तो कैसे आप फिगर आउट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करेंगे और क्या कुछ अर्ली साइंस होते हैं इस डिस्ट्रेस को जो हमने अभी डिस्कस किया सलोनी जी के साथ, उसको फिगर आउट करने के लिए थोड़ा सा बताएं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए. जी बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं एग्जामिनेशन एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जिनको दूर करना चाहूंगा. बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो लोग जल्दी से एंग्जियस हो जाते हैं या जल्दी से कुछ एंग्जाइटी शो कर रहे हैं दे आर लेस इंटेलिजेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी का उसकी एंग्जाइटी के साथ किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है. एंग्जाइटी मैम ने जैसे कि बोला, हमारे अंदर दो तरह की एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है, एक यू स्ट्रेस और एक डी स्ट्रेस. तो हमें अपने स्ट्रेस को यू स्ट्रेस के अंदर बदल के हमारा परफॉर्मेंस जो है बढ़ाना होता है,
और डी स्ट्रेस को जो है हमें अपने आप से दूर रखना होता है। तो जो हमारी एंग्जाइटी है इसका हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड से भी किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं होता। मैम ने तीन तरह के सिम्टम्स बताए, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल सिम्टम्स, जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि अक्सर जब हम स्कूल्स में या कॉलेज स्कूल्स में प्राइमरी स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तब बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं वो कई तरह के साइकोसोमेटिक सिम्टम्स हमारे अंदर दिखाते हैं जब वो किसी एग्जामिनेशन वाली सिचुएशंस के अंदर हैं। तो कई बार छोटे स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनका माउथ जो है वो एंग्जाइटी वाली सिचुएशंस में आके बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। कई बच्चे एग्जामिनेशन का समय आने के ऊपर पेट दर्द की शिकायत करते हैं। कई सारे बच्चे एग्जामिनेशन का टाइम आने के ऊपर नाइटमेयर्स की शिकायत करते हैं कि हमें बुरे सपने जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जी, राहुल जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? राहुल सिंह जी के साथ हम संपर्क कर रहे हैं, हम तकनीकी तौर पर उनसे जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है। सलोनी जी तब तक आपसे ही बात करते हैं। जैसा कि बता रहे थे राहुल जी कि कुछ ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में। जैसे कि राहुल जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरी ही बात को थोड़ा और इलैबोरेट करा था कि कैसे डिफरेंट साइंस होते हैं बच्चों में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड टीचर्स टू आइडेंटिफाई कि क्या साइंस बच्चे शो कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है दैट स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट अवेयर दैट दे आर फीलिंग वेरी एंशियस, दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड। लाइक जैसे बिहेवियर में सिम्टम्स आ गए क्योंकि एकदम से परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई, और फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट कमिंग टू द क्लासेज, दे आर नॉट अटेंडिंग क्लासेज। सो दैट इज द साइन कि यू नो टीचर्स शुड इंटरवीन और पेरेंट्स शुड इंटरवीन कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे बिहेवियर सिम्टम्स में हमने बात करी कि परफॉर्मेंस में असर हो गया, यू नो दे आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट टेकिंग गुड न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपरली, तो ये कुछ साइंस है। अगर मैं इमोशनल साइंस की बात करूँ, इफ द चाइल्ड इज नॉट टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स और इफ द चाइल्ड इज नॉट टॉकिंग टू द टीचर्स, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। अगर उनके अगर वी आर एक्सपीरियंसिंग कि जब भी कुछ फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आ रहा है या कुछ भी असेसमेंट रिलेटेड आ रहा है, इट कुड बी योर असाइनमेंट सबमिशन ऑल्सो और योर प्रोजेक्ट सबमिशन जिसमें आपको ग्रेड्स मिलते हैं, उसमें भी अगर आपके फिजिकल सिम्टम्स में स्वेटिंग बहुत हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे ढंग से, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो हर चीज़ को लेकर, दैट यू नो यू विल गिव अप वेरी इजिली, यू विल नॉट सक्सीड प्रॉपरली, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, सो दिस कुड बी साइंस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। एंड इम्पॉर्टेंट कि आप उसको मैनेज करना सीखे जल्दी से जल्दी, बी इट पेरेंट्स और टीचर्स दे कैन गाइड देयर चिल्ड्रन कि कैसे उस एंग्जाइटी या स्ट्रेस को मैनेज करें। एंड इफ द स्टूडेंट्स आर व्यूइंग राइट नाउ एंड इफ यू कुड रिलेट विद द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको मैनेज करना सीखे, वरना इन योर फ्यूचर और लेटर लाइफ परफॉर्मेंस पे और इफेक्ट आ जाएगा। राइट, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है अगर आज फिगर आउट नहीं किया गया इन सभी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स को। राहुल जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है वो अर्ली साइंस जी जो आप डिस्कस कर रहे थे। जी मैम, बहुत सारे बच्चे हैं वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने पेंट होने लगते हैं जब उनको पता चलता है कि वो किसी तरह का एग्जामिनेशन या कोई टेस्टिंग कुछ हो रहा है उनके ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सोशल कन्वर्सेशन से बहुत विड्रॉल करने लगते हैं, ऑल ऑफ सडन मूड स्विंग या थोड़ा सा रिबेलियस हो जाना, इस तरह के बच्चे जो हैं अपना बिहेवियर शो करते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा टाइम तक एक चलती हैं, तब ये बच्चे जो होते हैं वो स्कूल को ड्रॉप आउट करना या किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज का यूज करना या अपना कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस करना, ये सब चीज़ों का व्यवहार जो है अपना शो करते हैं। अगर अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण जिनके कारण जो है बच्चे अपना एंग्जाइटी इतना शो कर पाते हैं, तो मुख्य रूप से इसके तीन कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं।
पहला है जेनेटिक कारण। तो जेनेटिक कारण कुछ हैं जिनके कारण बच्चे एंग्जियस हो जाते हैं, एंग्जाइटीफुल बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। प्रीवियस लाइफ के अंदर किसी तरह का अगर लाइफ इवेंट, कोई बैड लाइफ इवेंट घटा है, कुछ उनके साथ कुछ प्रीवियस लाइफ में कुछ गलत हुआ है, तो भी वो बहुत ज़्यादा एंग्जियस जो होते हैं बच्चे शो करते हैं। कई सारे बच्चे एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपने प्रीवियस पास्ट टेस्ट परफॉर्मेंस अगर उनका अच्छा नहीं गया है या फियर ऑफ फेलियर है तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के अंदर आते हैं। अगर लैक ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि अगर हम काफ़ी समय तक कुछ किसी चीज़ को अवॉइड करते जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन अगर सही टाइम पे प्रोएक्टिव तरीके से अगर नहीं करेंगे, तो लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण भी हम जो है एंग्जाइटी शो करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंटल प्रेशर के कारण, जैसे कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स ने कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स या जो इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ इंक्लाइनेशन नहीं दिखाते हैं, तो पेरेंटल प्रेशर के कारण भी जो है बच्चे जो हैं एंग्जाइटी शो करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पीयर ग्रुप में एक इस तरह की होड़ मच जाती है ज़्यादा से ज़्यादा अंकों की प्राप्ति के लिए, कि बच्चे जो हैं किसी तरह की टेस्ट एंग्जाइटी जो है वो शो करते हैं और लर्निंग की तरफ ना मुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा अंक एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की चेष्टा में लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे कि टेस्ट एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आती हैं। जी जी, तो ये थे कुछ अर्ली साइंस ऐसे जिससे पेरेंट्स और एजुकेटर्स, टीचर्स सभी फिगर आउट कर सकते हैं कि बच्चा कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं है। और बहुत खूबसूरती से राहुल सिंह जी हमारे प्रैक्टिसिंग गांव से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया। तो सलोनी जी, आपके पास फिर से डिस्कशन में आना चाहूंगी। अब हमने बहुत जान लिया डिस्ट्रेस कैसे, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, अब इसको ओवरकम कैसे करना है। मतलब अल्टीमेटली काम वही है कि हमारा काम वही है, बच्चों का सहयोग ऐसे ही करना है कि इसको ओवरपार कैसे करना है, तो थोड़ा सा वो हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। हाँ जी, सो सिंस राहुल जी हैज आल्सो एक्सप्लेन कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी, उसी से ही मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ कि कैसे हमें ओवरकम करना है एग्जामिनेशन एंजाइटी। सम 2-3 स्ट्रैटेजीज अलोंग विथ देन राहुल जी विल एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो जब हम ओवरकमिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी, वेदर इट इज़ योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन कि आपने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है, आपको टाइम नहीं मिला, आपने टाइम मैनेज ढंग से नहीं किया है, वेदर इट कुड बी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम योर सिग्निफिकेंट अदर्स, इट कुड बी योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं दैट यू नीड टू स्कोर अ लॉट knowing your potential and your limit, so this is a kind of unrealistic expectation जिससे आप खुद अपने लिए इतना ज़्यादा expect कर रहे हैं, and अगर आप उस चीज़ को fulfill नहीं कर पाएंगे so you will feel more distressed or I could say you will feel more sad, जिससे आपकी anxiety और बढ़ सकती है for later examinations। So it could be your last minute preparations, high expectations, fear of failing if you have not prepared well, it could be a feeling of competition from your friends। So कभी कभार anxiety और stress हम इतना भी experience करते हैं कि मेरे दोस्त ने ज़्यादा पढ़ लिया या उसके marks ज़्यादा ना आ जाए। So this is one of your causes। So आपको first identify करना है what is your cause of examination anxiety। Second is that whenever you are feeling anxious, आपकी एक cycle बन जाती है negative thoughts की, that I have not studied well, I will not be able to get good marks, I will not succeed। So it's important कि हम इन negative thoughts को replace करें with your positive thoughts। So whenever you are thinking negatively, it's important कि आप उन thoughts को लिखिए, उसी के साथ line बना के दूसरी side पर लिखिए कि how you can replace it with the positive ones। So for example, अगर आपने लिखा है I can't do it, so it should be replaced with that I can do it। अगर आपने नेक्स्ट थॉट लिखा है दैट आई हैव नॉट स्टडीड वेल, सो इट शुड बी दैट आई विल स्टडी वेल और आई विल वर्क वेल टू अचीव माई गोल्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पे फोकस करें
एंड इफ वी आर थिंकिंग पॉजिटिवली तो एकदम से ही वो ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल गेट अराउज, आप ज्यादा फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे एंड वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करें. एंड बहुत स्टूडेंट्स ने फेस करा होगा दैट व्हेनेवर दे आर फीलिंग एंशियस, मैंने जैसे फिजिकल सिम्टम की बात करी कि एकदम से रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाता है. एंड इफ इट्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए ब्रेक लीजिए, डीप ब्रीथ करिए. सो इट कुड बी फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट टेक 15 to 20 seconds फॉर योर सेल्फ, डीप ब्रीथ करिए एंड उसके बाद देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगी एंड आपकी बॉडी थोड़ी काम डाउन हो जाएगी एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस दैट यू नो देर आर टू मेनी चैप्टर्स दैट यू हैव टू लर्न एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बीच में ब्रेक लीजिए. यू कुड प्रैक्टिस एनी रिलैक्सेशन टेक्निक दैट यू कुड दैट वर्क्स फॉर यू. यू कैन काउंट टिल 1 to 10 इफ यू आर फीलिंग रैपिड हार्ट रेट इंक्रीज. So breathe deeply and also prepare well. So last minute preparations कभी भी successful नहीं होती and वो एक added stress लाती है. So you should prepare well, you should make sure that you have covered all the important units or you know highlight everything. So जब हम prepare कर रहे हैं well, so ultimately your level of stress and anxiety will reduce down and you will be able to perform better and वो examination anxiety जो हम अभी experience कर रहे हैं वो होगी ही नहीं. जी वो होगी ही नहीं. अगर सलोनी जी द्वारा बताए गए आपने टिप्स व्यूअर्स फॉलो किए तो आई एम श्योर कि आपको एग्जामिनेशन एंग्जाइटी नहीं होगी. चलिए कुछ और स्ट्रैटेजीज जानेंगे राहुल सिंह जी से भी. राहुल जी मैं चाहूँगी आप भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताएं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए जिससे वो कोप अप कर सकें इस एग्जामिनेशन एंग्जाइटी से. जी बिल्कुल. जो लोग एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से बॉदर हो रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पेरेंट्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उनका बच्चा शिकायत कर रहा है कि मुझे एग्जामिनेशन में नहीं जाना, मुझे एग्जामिनेशन से एक रात पहले मुझे वॉमिटिंग हो रही है या मेरा पेट खराब हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो उनको लगातार बॉदर कर रही हैं. अगर उनको बिंदुवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अगर उनको एनकाउंटर किया जाएगा तो हम ना कि सिर्फ बच्चे को कैसे एंग्जाइटी को कम करना है ये सिखा रहे हैं बल्कि हम बच्चे को ये भी बता रहे हैं कि अब फ्यूचर के अंदर अपनी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिगर आउट वॉट इज़ बॉदरिंग यू. Then, if you are feeling constantly so anxious, बहुत ज़्यादा अगर anxiety हो रही है, बहुत ज़्यादा आप anxious feel कर रहे हैं किसी भी conditions के आने पर, चाहे वो दोस्तों के बीच में conversation से भी कई बार लोग anxiety feel करते हैं, तो divert, channelize your energy, अपनी hobbies को pursue करो, अपनी anxiety को कम करने के लिए उन उन चीज़ों को figure out करो, उनकी list बनाओ के बुक्स रीडिंग करने से या ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करने से क्या वो चीज़ें हैं जिनसे वो हॉबीज़ हैं जिनको परस्यू करने से हम अपनी एंग्जाइटी कम कर सकते हैं. साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट दे विजुअलाइज देयर पॉजिटिव सक्सेस. अगर बच्चे इस चीज़ को पॉजिटिवली विजुअलाइज करेंगे कि मुझे मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है और ये करके मुझे इस तरह से आगे निकलना है लाइफ के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके पास एक मकसद होगा और वो उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करेंगे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर वेल करेंगे, प्रोएक्टिव रहना सीखेंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते. साथ के साथ जो बिहेवियरल हैबिट्स हैं हमारी, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी एंग्जाइटी फुल देखता हूँ मैं आजकल जो केसेस हम लोगों के पास आते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं जिसके कारण वो हेल्दी ईटिंग या स्लीप हेल्दी वाला जो है वो नहीं ले पाते हैं पूरा टाइम. तो ये जो कुछ लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन हैं ये भी अगर हम करेंगे तो हमारी जो है जो एंग्जाइटी है वो कम होगी. साथ के साथ कुछ केसेस ऐसे होते हैं
जो कि इन बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि बॉक्स ब्रीदिंग या ईट हेल्दी या स्लीपिंग से दूर नहीं होते, तो आप लोग उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसका नाम है मनोदर्पण, जिसमें जोनल वाइज बहुत सारे काउंसलर दिन रात लोगों के कॉल्स उठाते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एग्जामिनेशन टाइम में आपका बच्चा स्ट्रेसफुल फीलिंग स्ट्रेसफुल हो रहा है तो आप कॉल कीजिए, ना कि सिर्फ आप कॉल कीजिए, अपने बच्चे को भी काउंसलर से बात कराइए ताकि वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी तरह की एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर वेल कर सके और लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके। मनोदर्पण का जो नंबर है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहाँ से आप टोल फ्री ये नंबर है और कहीं पर भी जोनल वाइज आप अपने एरिया के पास के काउंसलर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उनसे थेरेपीज ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर केसेस हैं तो अपने जो भी शहर है वहाँ पर आप पता कीजिए कि कौन सा CBT थेरेपिस्ट है, कौन सा वो साइकोथेरेपिस्ट है, वहाँ पर अपने बच्चे को आप लेके जा सकते हैं जहाँ पे उसके ना कि सिर्फ कॉग्निशन के ऊपर काम करके उसके कॉग्निशन को चेंज किया जाएगा बल्कि उसके बिहेवियरल पैटर्न को भी चेंज किया जाएगा जी। और उसको बिल्कुल जिस कंडीशन में वो आज है उससे बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। राइट, तो इन अ वे सलोनी जी, मैं राहुल जी और आपकी दोनों की बातों से ये समझ पाई कि पेरेंट्स और एजुकेटर्स का बहुत बड़ा रोल है इन सभी चीज़ों को फिगर आउट करने में और हमारे सभी बच्चों को एक मोटिवेट करके पुश करने में। हाँ जी जरूर, जैसे कि राहुल जी ने भी बोला एंड मैंने भी बोला, इट्स इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स अगर आइडेंटिफाई कर ले तो बहुत अच्छी बात, वेरी वेल एंड गुड, बट जैसे अगर हम बात करें यू नो प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स और एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स, तो जो पेरेंट्स एंड टीचर्स या भी सहयोग चैनल हमारा लाइव सेशन देख रहे होंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो आइडेंटिफाई करें ये साइंस एंड जो हमने स्ट्रेटजीज बताई हैं वो इनकलकेट करने की कोशिश करें अपने बच्चों में। दे हैव टू बी अ हेल्पिंग हैंड टू यस दीस लिटिल बड्स। और आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए सलोनी जी आपने अपना समय दिया और आप हर बार आती हैं और अपना समय देती हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू कृति जी। और राहुल जी आप भी हमसे जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप दर्शकों एनसीईआरटी का रिसोर्स मटेरियल देखने के लिए PM E-Vidya के साथ जुड़े रहें, अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी, नमस्कार।